हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी अर्थ पे एनिमल्स की मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसीलिए इन्हें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, जिसमें हमारी पहली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पॉलीफेरा आते हैं। सेकेंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर आते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारी प्लैटीहेलमिंथीज आते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एस्केमेंथीज टू कॉर्डेट आते हैं। सिमिलरली, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप की होती है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से पंप होकर सीधा सेल्स और टिश्यूज को मिल जाता है, और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, एक थे सिमेट्रिकल और एक थे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में वो एनिमल्स हैं जिनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सिमेट्रिकल भी 2 टाइप्स की हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एनिमल्स को किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करें, कोई भी प्लेन जो कि उनके सेंट्रल एक्सिस से पास कर रही है, वो उन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका एग्जांपल है जैसे कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। बायलेटरल सिमेट्री में वो एनिमल्स आते हैं जिनके सेंट्रल एक्सिस से अगर हम एक प्लेन पास करें तो वो उन्हें लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ये भी 2 तरह के हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनके एग्जांपल्स हैं सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और इनका एग्जांपल जैसे कि प्लैटीहेलमिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा था। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलोम, प्रेजेंस ऑफ सीलोम। सीलोम क्या होता है? कैविटी लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। वो कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइंड हो, उसे हम कहते हैं सीलोम। अब जिन एनिमल्स में ये सीलोम, ये कैविटी प्रेजेंट होती है, उन्हें हम सीलोमेट्स कहते हैं। जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है, उन्हें हम ए सीलोमेट्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सीलोम प्रेजेंट तो होती है, बट इसे हम स्यूडो सिलोम कहते हैं। एंड उन एनिमल्स जिनमें स्यूडो सिलोम प्रेजेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं स्यूडो सिलोमेट्स। इन्हें स्यूडो सिलोमेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मेसोडर्म प्रेजेंट तो होती है, बट वो कैविटी को लाइन नहीं करती, वो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इसका सिर्फ एक एग्जांपल है एस्केमेंथीज। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी हमारी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। इस सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये हमारे अर्थ फॉर्म में देखने को मिलते हैं, उसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एनिमल के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। और जिन एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड होती है, उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। और जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल होते हैं पॉलीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। देन कॉर्डेट्स, इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। थैंक यू।